खबर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा से, जहां पर नदी की तेज धार में एक पुल बुरी तरह से गिर गया। दरअसल इस पुल का 75% हिस्सा ऐसा है जो कि यहां डूब गया। 160 मीटर लंबा यह पुल था, लेकिन राहत की बात यह है कि इसमें किसी को नुकसान नहीं पहुंचा, क्योंकि पहले ही इस पुल को बंद कर दिया गया था। लोगों ने मोबाइल पर इस पूरे वीडियो को कैद किया। इन तस्वीरों को देखकर आंखों पर भरोसा करना मुश्किल हो रहा होगा, इसलिए हम फिर से इस भयावह मंजर को दिखाते हैं। हिमाचल प्रदेश और पंजाब की सीमा पर कांगड़ा जिले में डमडाल इंदौरा मार्ग पर बना यह पुल 160 मीटर लंबा है। नीचे से छौज खड्ड में पानी का बहाव इतना तेज है कि कुछ अनहोनी की आशंका दिखाई दे रही है। सबसे पहले 160 मीटर लंबे अटारिया कंदरोड़ी पुल के बीच का एक खंभा नदी की हाहाकारी लहरों को संभाल नहीं सका। पानी का वेग पुल की ताकत में सेंध लग चुकी थी। कंक्रीट से बने पुल ने कांपना शुरू कर दिया था, और तभी ऐसा हुआ जिसे बहुत कम लोगों ने देखा होगा। देखते ही देखते 160 मीटर लंबे पुल का करीब 75 मीटर हिस्सा भरभराकर नदी की लहरों में समा गया। 10 खंभों ने पानी की धार के सामने हार मान ली। 2 लेन का पुल अब खंड खंड हो चुका था। हैरान करने वाली इन तस्वीरों को फिर से देखना जरूरी है, कैसे बरसाती नाले में उफान मारता पानी सैकड़ों टन भारी सीमेंट, सरिया, पत्थरों और बालू पर भी भारी पड़ गया। इस पुल का निर्माण 1972 में कराया गया था। हालांकि 44 साल का वक्त किसी पुल के लिए कोई बहुत पुरानी तारीख नहीं है, लेकिन इस साल हो रही भारी बारिश के बाद नदी में आए उफान की परीक्षा में ये नाकाम साबित हुआ। गनीमत ये रही कि हादसे के वक्त पुल पर कोई गाड़ी या शख्स नहीं था, वरना हादसा बड़ा हो सकता था। महाराष्ट्र में रायगढ़ के महाड का पुल हादसा अभी भी ताजा है, जहां कई जिंदगियां सैलाब में समा गई। फिलहाल संदेश यही है, मॉनसून के इस मौसम में स्वयं की समझदारी और सावधानी ही सबसे अच्छा उपाय है। विशाल आनंद, चंबा, आज तक। खराब मौसम की मार पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों तक पर जबरदस्त पड़ रही है, लोग बेहाल हैं। ऐसे में एक तरफ पहाड़ी राज्यों में तीर्थ यात्राओं पर बैन लग गया है, उन्हें रोका गया है, तो वहीं दूसरी तरफ बात अगर राजस्थान की करें तो रेगिस्तान जिस तरह से पानी से लबालब है, उसकी शायद कल्पना भी किसी ने नहीं की होगी। तो ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, कितने जबरदस्त तरीके से एक पुल भरभराकर तेज पानी की धार में बह गया। तस्वीरें आपके सामने, 75% हिस्सा पुल का ऐसा है जो पानी की धार में बह गया। 160 मीटर लंबा यह पुल, हालांकि राहत की बात यह है कि एक दिन पहले ही इस पुल पर आवाजाही बंद कर दी गई थी। अब जरा सोचिए कि यह हादसा कितना बड़ा हो सकता था अगर इसे पहले ही बंद ना किया जा सकता गया होता। लेकिन सिर्फ हिमाचल से ही ऐसी तस्वीरें नहीं मिल रही, बाकी देश के बाकी हिस्सों से, बाकी राज्यों से भी जो तस्वीरें हैं वो आपके सामने। राजस्थान में देखिए क्या हाल है, अजमेर, बीकानेर, बारां, प्रतापगढ़, स्थिति बेहद खराब। जगह जगह पर लोग फंसे हैं जिन्हें बाहर निकालने में काफी समस्या का सामना करना पड़ता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि बाजारों की हालत बेहद खराब है, जीवन पर संकट आ पड़ा है, लोग नाव के जरिए रास्ते को पार करने में के लिए मजबूर हैं, तो वहीं सड़क पर सैलाब की स्थिति बनी हुई है। बुरी तरह से जीवन अस्त व्यस्त इन तमाम इलाकों में। पहाड़ी राज्यों से भूस्खलन की खबरें आ रही हैं, लैंडस्लाइड की खबरें आ रही हैं, ऐसे में जगह जगह रास्ते टूटे हुए हैं, तीर्थ यात्रा को रोकना पड़ा है। तो वहीं राजस्थान जो अपने रेगिस्तान के लिए मशहूर है, लेकिन ये तस्वीरें देखिए उत्तर प्रदेश से, देश का सबसे बड़ा राज्य, लेकिन किस तरह से बाढ़ और बारिश की तबाही से कराह रहा है, उसकी तस्वीरें आपके सामने। जगह जगह इमारतें गिर रही हैं, घर टूट रहे हैं। वाराणसी की तस्वीर आपके सामने, फर्रुखाबाद की तस्वीर आपके सामने, जहां पर बच्चों का स्कूल तक पानी में डूब गया। वहीं बाराबंकी और गोंडा में भी स्थिति बेहद खराब। इलाहाबाद की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर घाट बुरी तरह से पानी से लबालब है, खेत के खेत इन पानी में डूब गए हैं, और ऐसी ही स्थिति में लोग जीने को मजबूर हैं। तस्वीरें बता रही हैं कि हालात अभी भी अच्छे नहीं हैं। कई राज्यों में स्थिति बेहतर नहीं है। राजस्थान में पानी का प्रहार है,
उत्तर प्रदेश में गंगा समेत दूसरी नदियों का जलस्तर लगातार ऊंचाई हासिल कर रहा है। तो उत्तराखंड में भूस्खलन से हाईवे बंद है। बारिश, बाढ़ और भूस्खलन के ट्रिपल अटैक से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। गर्मियों में 50 डिग्री तापमान से झुलसने वाला राजस्थान फिलहाल आसमानी आफत से हलकान है। कई जिलों में लगातार बारिश से राजस्थान के कई इलाके टापू में तब्दील हो चुके हैं। सबसे बुरा हाल पाली, अलवर और सवाई माधोपुर जिले का है, जहां कई लोग बीच पानी में फंस गए। रेस्क्यू के लिए SDRF और स्थानीय प्रशासन की टीम लगी हुई है। अचानक पानी आ गया, रात में 50-60 आदमी हम कीड़ धोबी डाली है। और अचानक पानी आने से तुमने आर सुरक्षा करी, अब तुम निकाल रहे जब हमने कर रहे थे। कौन आया आपको बचाने के लिए? अचानक आया तुम्हारे भोजगा आदमी आए। कल दिन में 4 बजे के आसपास पानी अचानक एकदम लेवल ज्यादा बढ़ता चला गया, पानी ने निकलने का रास्ता नहीं दिया। और यहाँ जो कीड़ों की ढाणी है और धोबियाँ वगैरह रहते हैं, तो यहाँ पे 70-80 आदमी अपने बाल बच्चों के साथ में फंस गए। उत्तर प्रदेश की तमाम नदियां भी इन दिनों लबालब है। गंगा उफान पर है, घाघरा खतरनाक हो चुकी है, यमुना भी डरा रही है। वाराणसी की घाट अभी भी गंगा के नीचे गुम है। बाराबंकी में भी गंगा से तटों को कटाव जारी है। संवेदनशीलता के दृष्टि से उन लोगों ने पहले ही तैयारी कर रखी थी और उनको सुरक्षित स्थानों पे, ऊंचाई के स्थानों पे भिजवा दिया था उनके सामान साथ, तो किसी तरह की कोई जनहानि या धनहानि नहीं हुई है। उत्तराखंड में भी कुदरत का कहर जारी है। रुद्रप्रयाग के पास भूस्खलन से केदारनाथ पैदल मार्ग बंद हो गया है और यात्रा को रोक दिया गया है। वहीं हाईवे पर मलबा बाधा बनकर जम गया है। जोखिम उठाकर लोग सड़क से गुजर रहे हैं। कहीं कहीं तो रास्ते से ही पहाड़ों का पानी नीचे की ओर झरने की शक्ल में उतर रहा है। मौसम विभाग ने अगले 1 से 2 दिनों में बारिश रहने की आशंका जाहिर की है। ऐसे में लोगों के दिल में डर पैदा हो गया है, आखिर पानी की मार से इंसान कितना लड़े, कितना जूझे। आज तक ब्यूरो।